हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ, ओके, रिवर ऑफ एमपी, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? ए नर्मदा और ताप्ती, बी केन एम बेतवा, सी चंबल एम कालीसिंध, डी पेंच नदी एम हेण नदी। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए नर्मदा एम ताप्ती, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, नर्मदा सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थल एक ही है, वह कौन सा है? ए जानापाव की पहाड़ी, बी सुरंज की तराई, सी अमरकंटक की पहाड़ियां, एंड डी महादेव पर्वत की काकड़ी वाड़ी। करेक्ट आंसर कौन सा? सी अमरकंटक की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ए ताप्ती मुलताई तालाब बैतूल, यानी उद्गम स्थल ये बताया, बी बेतवा नदी कुमरा गाँव रायसेन, सी तवा नदी पचमढ़ी महादेव पर्वत, एंड डी छिप्रा नदी जानापाव की पहाड़ियाँ। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा इसका? डी छिप्रा नदी जानापाव की पहाड़ियाँ। ओके, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? छिप्रा काकरीवाड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। ओके, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में कौन सी नदी मैकलसुता एवं रेवा नदी भी कहलाती है? ए छिप्रा नदी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, एंड डी पार्वती। करेक्ट आंसर कौन सा है? सी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर फाइव, नर्मदा नदी की लंबाई है 13-12 किलोमीटर, 890 किलोमीटर, 965 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। कितना आंसर है? 1312 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर। ओके, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी में नहीं है? ए भेड़ाघाट जलप्रपात, बी कपिल जलप्रपात, सी दुग्धधारा जलप्रपात, एंड डी भालकुंड जलप्रपात। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ए सहस्त्रधारा जलप्रपात, बी भालकुंड जलप्रपात, सी चचाई जलप्रपात, एंड डी धुआंधार जलप्रपात। करेक्ट आंसर कौन सा? सी जल चचाई जलप्रपात, जो कि रीवा जिले में है और बीहर नदी पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है? ए छिप्रा नदी, बी नर्मदा नदी, सी सोन नदी, एंड डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए छिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर नाइन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए वांगचू पॉइंट जानापाव महू से, बी काकरीवाड़ी पहाड़ी इंदौर से, सी मैहर तहसील सतना से, एंड डी अमरकंटक के तराई वाले से हिस्से से। करेक्ट आंसर कौन सा? ए वांगचू पॉइंट जानापाव महू से। ओके, क्वेश्चन नंबर टेन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? ए नहरों से, बी कुआं एवं नलकूप से, सी तालाब से, एंड डी झीलों से। करेक्ट आंसर कौन सा है? बी कुआं एवं नलकूप से। क्वेश्चन नंबर 11, छिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए शिवपुरी के पठार से, बी काकरीवाड़ी की पहाड़ी इंदौर से, सी बांगली गांव देवास से, एंड डी सिरोंज तहसील विदिशा से। करेक्ट आंसर कौन सा है? काकरीवाड़ी की पहाड़ी इंदौर से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ओके, ए वैनगंगा पारसवाड़ा के पठार, बी काली सिंध बांगली गांव देवास, सी सिंध सिरोंज तहसील विदसा, एंड डी वर्धा बैठन तहसील से। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है इसका जो सम्मिलित नहीं है? वर्धा बैठन तहसील से। ओके, वर्धा जो है वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, उज्जैन नगर किस नदी किनारे स्थित है? ए शिवना, बी सिंध, सी छिप्रा, एंड डी पार्वती। करेक्ट आंसर कौन सा है? छिप्रा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नर्मदा किनारे नहीं है? ए जबलपुर, बी होशंगाबाद, सी ओंकारेश्वर, एंड डी मंदसौर। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? मंदसौर। मंदसौर नहीं है, बाकी तीनों शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ए कालीसिंध नदी देवास, ओके, बी पार्वती आष्टा राजगढ़, सी तवा नदी पचमढ़ी तवानगर, एंड डी वैनगंगा विदिशा। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा सम्मिलित नहीं है? वैनगंगा विदिशा। ओके, क्योंकि वैनगंगा पारसवाड़ा सिवनी से निकलती है, न कि विदिशा से। क्वेश्चन नंबर 16, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी किनारे है? ए नर्मदा, बी छिप्रा, सी बेतवा, एंड डी पार्वती। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए नर्मदा नदी।
क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए चंबल नदी घाटी परियोजना, बी बाण सागर परियोजना, सी नर्मदा घाटी परियोजना, एंड डी बरगी परियोजना। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए चंबल नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 18, हलारी परियोजना किसका नया नाम है? ए सम्राट अशोक सागर, बी रानी अवंतीबाई सागर, सी रानी लक्ष्मीबाई सागर, एंड डी इंदिरा सागर। ओके, तो करेक्ट आंसर है सम्राट अशोक सागर। क्वेश्चन नंबर 19, बाण सागर परियोजना में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, एंड डी छत्तीसगढ़। तो कौन सा शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़। बाकी तीनों राज्य की सम्मिलित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 20 मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? ए बाण सागर, बी रानी अवंतीबाई, सी नर्मदा सागर नदी घाटी परियोजना, डी चंबल नदी घाटी परियोजना। करेक्ट आंसर कौन सा? सी नर्मदा सागर नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है? ए नर्मदा नदी, बी बरगी नदी, सी बेतवा नदी, एंड डी चंबल नदी। करेक्ट आंसर कौन सा है? बी बरगी नदी। क्वेश्चन नंबर 22, माता टीला बांध परियोजना का नया नाम क्या है? ए संजय गांधी परियोजना, बी सम्राट अशोक सागर, सी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, एंड डी माही परियोजना। करेक्ट आंसर है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 23, उर्मिला परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है? ए मध्य प्रदेश राजस्थान, बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, एंड डी मध्य प्रदेश गुजरात। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, MP एंड UP। क्वेश्चन 24, मध्य प्रदेश का प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? ए ग्वालियर, बी मुरैना, सी भिंड, एंड डी हरदा। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए ग्वालियर। क्वेश्चन 25, बावन थड़ी परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है? ए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश राजस्थान, सी मध्य प्रदेश गुजरात, एंड डी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। ओके, करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। क्वेश्चन 26, कोलार परियोजना किस जिले में है? ए भोपाल, बी रायसेन, सी सीहोर, एंड डी विदिशा। करेक्ट आंसर कौन सा? सीहोर। क्वेश्चन 27, नरगवा परियोजना किस जिले में है? ए रतलाम, बी ग्वालियर, सी छतरपुर, एंड डी गुना। तो कहाँ पे है? ये छतरपुर की जिले में है। क्वेश्चन 28, पंचनद प्रोजेक्ट जिसे अमृत क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ये पार्वती, बी काली सिंध, सी चंबल, एंड डी नर्मदा। कौन सी शामिल नहीं है? नर्मदा। क्वेश्चन 29, ग्रेटर गंगऊ बांध किस नदी पर है? ए केन नदी, बी सिवना नदी, सी उर्मिल नदी, एंड डी बेतवा नदी। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए केन नदी। क्वेश्चन 30 एंड लास्ट, बारना नहर से लाभान्वित जिले हैं? ए होशंगाबाद, बी रायसेन और सीहोर, सी भिंड और मुरैना, डी बालाघाट। करेक्ट आंसर है रायसेन और सीहोर। ओके गाइस, तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश की नदियाँ, ये मेरा पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा जिसमें